मित्रों, घर में अन्नपूर्णा का भंडार किस प्रकार से भरा रहे, घर में किसी प्रकार की कोई भी ग्रह कलेश ना हो, घर में सुख शांति का वातावरण हमेशा बना रहे, इसके लिए आज हम महिलाओं के लिए कुछ 15 टिप्स देने के लिए जा रहे हैं। वो सूत्र यदि वो अपने जीवन में अपनाती हैं तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति रहेगी, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, परिवार में किसी प्रकार की कोई भी कलह नहीं होगी। तो चलिए इन सूत्रों को जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहनों के लिए आज के वीडियो में हम कुछ विशेष टिप्स देने के लिए जा रहे हैं। वो यदि वो जीवन में अपनाती हैं तो फिर उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। करना क्या है आपको, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ तक बन सके सोकर के आपको उठना चाहिए। अपने बिस्तर को आपको सही तरीके से ठीक करके रखना चाहिए। पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करके आपको फिर अपना दैनिक कार्य करना चाहिए। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना हमने वीडियो डाला हुआ है, 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके फिर उठे, उस साधना को आप करिए। इसके पश्चात में रसोई घर में सबसे पहले आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि रसोई घर में आपको सीधे बगैर स्नान ध्यान किए नहीं जाना है, क्योंकि रसोई घर में जो है 9 ग्रहों का प्रभाव होता है, उनका वास होता है। इसलिए रसोई घर में कभी भी बगैर स्नान आदि किए नहीं जाना चाहिए। कई लोगों की, कई महिलाओं की आदत रहती है कि बिस्तर से उठे और सीधे रसोई घर में जाकर के बैठी बनाना चालू कर दिया, तो रसोई घर में कभी भी बगैर स्नान के नहीं जाना चाहिए। जिन चप्पलों का आप इस्तेमाल करते हैं, पूरे घर में पहन करके घूमते हैं, उन चप्पलों को आपको रसोई घर में पहन करके नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आप रसोई घर के बाहर एक अलग चप्पल रखें, जिसको आप रसोई घर में जैसे ही जाते हैं तो उन चप्पलों को आप पहन लिया करें। रसोई घर में कभी भी आपको पूजा स्त्री नहीं बनाना चाहिए। अब जो बड़े बड़े शहर रहते हैं जहाँ पर लोग उसमें रहते हैं फ्लैट में, तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी हमारे यहाँ पर तो इस प्रकार की सुविधा नहीं है, जगह की कमी है। तो ऐसी स्थिति में एक बार चल सकता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो किचन में आपको जो है पूजा स्त्री नहीं बनाना चाहिए। इसके पश्चात में जब आप खाना बनाते हैं तो एक रोटी जो है, पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकाल करके रखना चाहिए। पहला ग्रास, पहली रोटी जो है गाय के लिए घी और गुड़ के साथ में आपको गाय को खिलाना चाहिए। उस रोटी को किसी परिवार के व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। इसके पश्चात में जब आप भोजन बनाते हैं और जब सब्जी का छौंका देते हैं, तो 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आप सब्जी का छौंका देंगे तो उस भोजन को जो भी लोग आपके घर के करेंगे उनके दिमाग में पूरे पॉजिटिव विचार आएंगे, फिर किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होगा। जहाँ तक संभव हो परिवार के लोग एक समय में एक साथ बैठ करके भोजन जरूर करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। अशुद्धि अवस्था में महिलाओं को जहाँ तक संभव हो रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। यदि रसोई घर में जाते तो ऐसी सामग्रियों को नहीं स्पर्श करना चाहिए जिनमें नवग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे घी है, हल्दी है, कई जो हमारे परिवार में निषेध रहता उन चीज़ों को आपको नहीं स्पर्श करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को आपको जो है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जब तक आप रसोई घर में रहते हैं तब तक आपको जो है गायत्री मंत्र का मानसिक रूप से जाप करना चाहिए। जब आपका भोजन तैयार हो जाता है तो आपको एक भाग जो है भगवान के लिए, भोग के लिए निकालना चाहिए, और इसके पश्चात में आप एक जो है मिट्टी का दीपक या अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आ जाएं और गाय के गोबर और मिट्टी को मिक्स करके आप एक छोटा सा, इतना बड़ा आप एक दीपक बना लें, और उस दीपक को जो है आप अपने गैस के ऊपर रख दें, गैस को चालू करके, और जब वो अच्छी गर्म हो जाए तो उसके पहले उसमें थोड़ा सा घी डाल दें, चारों ओर घी लगा दें, और उसके पश्चात में जो आप भोजन बनाते हैं उसकी रोटियों का जो है 6 भाग कर लें, जिसको हम बलि भैंस यज्ञ बोलते हैं।
तो उसको जो है पांच भाग जो है आप गायत्री मंत्र बोलते हुए पांच आहुतियां उसकी दे दें। बलि वैश यज्ञ के बारे में हम अन्य वीडियो के माध्यम से उसकी पूर्ण रूप से जानकारी देंगे कि किस प्रकार से उसको करना चाहिए। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि उनका पांच जो आप जो टुकड़े बनाएंगे, पांच भाग जो बनाएंगे, एक एक भाग गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यौनः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः, इस प्रकार से बोलते हुए जो है आप पांच बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उन पांचों जो भाग है उनका आप आहुतियां दे दें। छठवां भाग जो बचता है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में दे देना चाहिए। इसके पश्चात में घर में जो आपके रसोई घर है, रात्रि में सोते समय उसमें रसोई घर आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जूठे बर्तन आपको रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। कई घरों में ये होता है कि जो आटे के जो लोई बच जाती है उसको लोग जो है फ्रिज में रख देते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। उसको एक प्रकार का पिंड रहता है तो उसमें जो है भूत प्रेत आदि की चीज़ें रहती हैं। उसमें जो व्यक्ति उस भोजन को करेगा तो उसमें नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे, इसलिए उस चीज़ का विशेष रूप से बहनों को ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे यदि आप अपने जीवन में ये सूत्र अपनाते हैं, ये सब चलते फिरते के काम हैं जिनको केवल आपको व्यवस्थित तरीके से करना है। यदि आपके घर में बच्ची जो है 12 साल से ऊपर की हो गई यानी वो रजस्वला हो गई है तो उसको प्रतिदिन जो है रसोई घर में कम से कम आधा पौन घंटा आपको जरूर उसको बिताना चाहिए। उस बच्ची को जरूर आपको रसोई घर में लेकर के आना चाहिए। जिन लोगों के यदि राहु की दशा चल रही है तो उनको रसोई घर में कम से कम उनको जरूर बैठ करके भोजन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके तो आपका रसोई घर इस प्रकार का यदि है कि उसमें आपका डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है तो आप जो है पूरे परिवार के साथ में वहां पर भोजन करें तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो ये छोटे छोटे से यदि टिप्स बहनें यदि अपने जीवन में अपना लेती हैं तो फिर उनके घर में ना तो किसी प्रकार का कोई पति पत्नी में मतभेद होगा, ना किसी प्रकार की कोई लड़ाई होगी और उनके बच्चों में किसी प्रकार का कोई भी जिद्दीपन नहीं रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपके आज्ञाकारी होंगे। तो ये छोटे छोटे से यदि आप टिप्स अपनाते हैं तो फिर आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जीवन में नहीं आएगी, 100% गारंटी है। आप इसको एक सप्ताह तक अजमा के देखें, निश्चित रूप से इनमें आपको आसक्ति सफलता प्राप्त होगी। आपको किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी से जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें हैं जो आप नित्य जो है आप कार्य करते हैं, लेकिन उन्हीं को थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना है। बस अपनी दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित कर देंगे तो आपके जीवन में आ रही हजारों प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आशा है सभी माताओं बहनों को यह वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहेलियों में, अपने मित्रों में आप जो है निश्चित रूप से इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हमारे विचार आपके अनुकूल हैं, आपको विचार हमारे अच्छे लगते हैं, आपको हमारे छोटे छोटे से उपायों से आपको लाभ होता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल।